आज यहाँ पर या तो हमारी शादी होगी या तो इस गोदाम में हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। साथ जी नहीं सके तो साथ मर तो सकते हैं। तुम्हें बुद्धू बनाना बहुत ही आसान है। तभी तो हीरा सा और उसकी टोली ने तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ भर दिया और तुमने मान भी लिया। क्या बकवास कर रही हो? तुम आग की तरफ इसलिए बढ़ रहे थे ना क्योंकि मैंने हाथ का इशारा आग की तरफ किया। तुम्हें लगा कि मैंने चाबी आग में फेंक दी। एक बार भी ये नहीं सोचा कि चाबी आग में पड़ी होगी या नहीं। बस चल दिए आग में हाथ जलाने। शायद इसलिए लोगों की कही बातों पर तुमने यकीन किया और मुझे एक मौका भी नहीं दिया अपनी बात रखने का। जो कहना है साफ साफ कहो। साफ साफ ये कहना चाहती हूं कि चाबी वहां आग में है ही नहीं। बड़े उतावले हो रहे हो चाबी निकालने के लिए। हाँ क्यों नहीं होंगे, शादी है ना तुम्हारी। पर कल तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे कि तुम्हारी शादी थानी से नहीं हुई। जब तुम्हें पिछला सब कुछ याद आ जाएगा। मेरी शादी धानी से हो या ना हो लेकिन तुम मेरी बीवी कभी नहीं बनोगी। और जो तुमने ये प्लान बनाया ना, घटिया सा प्लान, मुझे यहां धोखे से बुला के किडनैप करके, वो फ्लॉप होने वाला है क्योंकि मैं यहां से निकल के ही रहूंगा चाहे जैसे भी। कैसे निकलोगे, ताला कैसे खोलोगे, चाबी कैसे मिलेगी, जबरदस्ती करोगे? Thank you.
सारी मेहनत बेकार हो गई ना। तुम ना बैल की तरह हो, कोई भी आंक सकता है। अपने आंख और कान खुले रखा करो मेरी जान। चाबी तो मैंने पहले ही आग में फेंक दी थी, मैं तो बस तुम्हारा वक्त बर्बाद कर रही थी। भगवान, कहाँ चली गई हमारी बेटी, कहाँ ढूंढूं मैं उसे। मेरा पता नहीं, मेरा वरुण कहाँ भटक रहा होगा धानी को ढूंढने के चक्कर में। कमबख्त, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। अगर धानी ना मिली तो ब्याह ना होगा, और अगर वरुण वापस ना आया तो हमारी तो सारी जायदाद हमारे हाथों से चली जाएगी। शगुन का लड्डू बन गया, कहाँ रखूं? घर मारे माथे पे। हम नीचे के देख रही है, रख या। शगन के लड्डू भी आ गए। शगन तो तभी होगा ना जब वर वधू यहाँ होंगे। हे भगवान जी, हमारी बच्ची को सही सलामत घर भेजते। ब्याह की सारी तैयारियां हो गई और दुल्हन का खोई इतना पता ना है। ओ भगवान जी, अब इसकी बेटी को बाद में भेजता हूँ, पहले मेरे वरुण को भेज दो, मुझे नहीं पता है। क्यों, हमारी बेटी को बाद में क्यों भेजना? क्योंकि मेरी बेटी को ना बहुत बड़ी फिल्म मिल गई है, उसका पहले आना बहुत जरूरी है। पर तारे बेटे से हमारी बेटी का ब्याह हो रहा है ना, तारे को बहू की जरा भी चिंता ना है। हाँ तो क्या हो गया, आपका मुझे दमाद देना, लेकिन आप भगवान से अपनी बेटी के लिए मांग रही हो, वहां से मेरे बेटे के लिए मांग रही हो। सब कुछ तारे बेटे ने किया है ये बवाल। ओह, मेरे बेटे का क्या कसूर है? आप लोगों की दुश्मनी थी, आप लोगों ने मिलकर उसकी माँ को मारा है। मेरे बेटे का पहले आना जरूरी है, मेरे बेटे नहीं आगे फिल्म निकल जाएगी उसके हाथ से। चुप करो तुम दोनों, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। कहीं ऐसा तो ना है वो देवी देविका की मदद कर रही है, और देविका हमसे अपनी माँ का बदला ले रही है। हे भगवान, मतलब वो देवी भूतनी ने अपनी बेटी के लिए मेरे बेटे और इसकी बेटी। मेरा वरुण, भगवान। ऐसे क्या देख रहे हो? यही कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ और करती रहूंगी मरते दम तक। कैसा घटिया खेल खेल रही हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं मजबूर हो जाऊंगा? जबरदस्ती तुमसे शादी कर लूंगा? गलत सोचती हो, मैं तुम्हारी तमन्ना कभी पूरी नहीं होने दूंगा।
कुमार को पूरा यकीन हो गया माजी साहब, वो देवी ही मदद कर रही हो देविका की, वरना देविका इतनी साजिशें ना चल सके अकेले। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो तो कब की मर चुकी है, मरे हुए लोग थोड़ी ना वापस आते हैं। जीता, वो संदूक से आवाज आ रही है, मार को लगता है वो के अंदर देवी है। जानते हो ना, लोहे को पिघालने की ताकत आग में होती है। शायद हवन कुंड भी नहीं चाहता था कि हम दोनों जुदा हो, चाहता था कि हम एक साथ रहे। अब इसमें तो मैंने कोई छल और कपट नहीं किया, थार को।
धानी तू तब से घर पर ही थी, तू सिंदूक में कैसे आ गई? किसने डाला थार को सिंदूक में? तू थार को मेरी आवाज सुनाई दे रही थी, तू कैसे आई तू उसके अंदर? हाँ बता क्या हुआ था थार को, किसने डाला थार को बता मुझे? अरे बस कर, छोरी को सांस लेने दे, बंदूक की गोलियों की तरह सवाल बरसा रही है उस पर। हे भगवान, बहुत बार नंबर लगा चुकी हूँ, वरुण का फोन ही नहीं लग रहा। वो फोन वाली आंटी बोले जा रही है उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। पता नहीं क्या हो गया, किस हाल में होगा मेरा बच्चा। कीड़े पड़े उस देविका को, कब से हमारे साथ खेल खेले जा रही है, और हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उसको तो बसंती फिकर ना कर, तारा वरुण आ जाएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा? आप लोगों को कुछ समझ भी आ रहा है? देवी का ने धानी के बहाने मेरे वरुण को घर से बाहर निकाला। किडनैप धानी का नहीं, मेरे वरुण का हुआ है। वरुण को किडनैप कराया देवी का ने। बहुत शातिर है वो देवी का, पता नहीं क्या सोच के बैठी होगी। कहीं उसने मेरे वरुण से शादी तो नहीं कर ली? ढूंढ के ला दो मेरे बच्चे को, कहाँ चला गया? जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मर्द जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। तो बताइए, आप लोगों को किसी पर शक है? हाँ, नौकरानी पे। उसने ही अगवा किया है।
नौकरानी, वो क्यों किसी का अपहरण करेगी? क्योंकि वो धानी की खुशियों से जलती थी। ये धानी कौन है? हमारी बेटी। नौकरानी का नाम? देविका। लड़के का नाम? कहा ना वरुण। धानी वरुण, वरुण देविका, धानी वरुण, वरुण देविका, धानी वरुण, वरुण देविका। 24 दिस। अरे ये तो किडनैपिंग का केस है ही नहीं। आप लोग फिक्र मत कीजिए, लौंडा अपने आप घर वापस आ जाएगा। अरे रुक, क्या मतलब है तारा, क्या कहना चाहे? मैं यो कह रहा हूँ मैडम साहब कि आप लोगों की बातें ना मन ने झूठी लागे। आपको पता है ना कि किसी पर किडनैपिंग का झूठा इल्जाम लगाना कितना बड़ा जुर्म है। आप सब लोगों को जेल भी हो सकती है। पर हम झूठा इल्जाम क्यों लगाएंगे? वरुण और देविका का अपहरण हुआ है, हम परेशान हो रहे हैं। वरुण का ब्याह था परसों हमारी बेटी धानी के साथ। पर धानी से तो उसका सुरी नहीं मिल रहा है। धानी से उसे शादी नहीं करनी है, उसका दिल तो नौकरानी पर आया हुआ है। हो सकता है वो नौकरानी देविका आपकी बेटी धानी से ज्यादा खूबसूरत हो, हो सकता है वो अपनी मर्जी से उसके साथ भागा हो। अरे वो ऐसा क्यों करेंगी? अरे आप पुराने जमाने के लोग यही सोचते हैं कि आज के लड़के को अपनी मर्जी से किसी भी खूंटे में बांध दो। और हमारे पास ऐसे केस दर्जनों आते हैं जिनमें लड़का लड़की ना अपने परिवार वालों की वजह से घर से भागकर शादी करते हैं, और हम ऐसे केसेस में कुछ नहीं करते। मतलब तो रपटना लिखेगा, फरियाद दर्ज ना करेगा? आपके पास कोई फिरौती कॉल आया ना? आपके पास कोई धमकी वाला खत है दिखाने के लिए ना? तो फिर क्या सबूत है कि उसका किडनैप हुआ है? अरे क्यों अपने आप को इस उम्र में जेल की हवा खिलाना चाहती हो? अरे चिल करो, लड़का वापस आ जाएगा नौकरानी की मांग में सिंदूर भरकर। आरती की थाल सजाकर तैयार रहे ना। अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए होते ना तो आज वो नौकरानी के साथ ना भाग जाता। अगर अपनी बेवकूफ बेटी को अच्छी परवरिश दी होती ना तो मेरा बेटा नौकरानी की तरफ नहीं मुड़ के देखता। और तू अपने होने वाले को संभाल के रखती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस वक्त यहाँ क्या बात है? हमें देखकर खुशी नहीं हुई?